विधानसभा जोहराबाद में है और यह है गाजीपुर का वो क्षेत्र। आज यहाँ आपको बताते चलूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क है सिवरीडी में, और यहाँ सिवरीडी में ये अंबेडकर जो पार्क है, इसी में जो हमारे देश के जो संविधान के जो रचयिता हैं, आज जिनके संविधान पे सब लोग चल रहे हैं, उनकी जो है प्रतिमा को तोड़ा गया है आज, जिसको लेकर काफी इस क्षेत्र के लोग मौजूद है। बात करेंगे, आइए उन लोगों से खास जानकारी लेंगे और चलिए अंदर तक वो दृश्य दिखाएंगे। ये वो जगह है जो यहाँ भीमराव अम्बेडकर जी की जो प्रतिमा लगी है, वो प्रतिमा जो है टूटी हुई है। आइए वो दृश्य आपको हम नजदीक से दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है जैसा कि आपको बताते चलूं। और यहाँ पे जो प्रतिमा आपको दिख रही है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की, वो प्रतिमा जो है देखिए एक भुजा यहाँ जो है कैसे टूटा पड़ा है, आज इस तरह से जो है प्रतिमा जो खंडित है। और देखा जाए कि जिस संविधान के द्वारा आज पूरा देश चल रहा है, ये भारत देश के हर लोग जो है इस संविधान के जो है थ्रू चल रहे हैं, लेकिन यही जो है रचयिता जो है भीमराव अम्बेडकर जी, इनकी जो है प्रतिमा को इस तरह से तोड़ दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो है अपने देश के उस संविधान से खिलवाड़ किया जा रहा है। आइए बहुत लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है? नरेंद्र राव गुड्डू, जिला पंचायत सदस्य कासमाबाद द्वितीय वार्ड नंबर 6। ये कब प्रतिमा टूटी पड़ी आप लोगों को? हमको जहाँ तक जानकारी सुबह हुई है, लेकिन मोटी रात को करीब टूटी है। अच्छा। करीब 9-10 बजे की शायद घटना है। अच्छा, रात्रि का ये घटना जी, है। जी, जी, कैसे जानकारी आप लोग को मिल गया? हमें विधानसभा अध्यक्ष जो संतोष जी हैं, विधानसभा जोहराबाद बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा सूचित किया गया, तो हम लोग अपने टीम को लेकर यहाँ पर आए हैं और शासन प्रशासन से मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, अन्य समाज के भी लोग थे, सर्व समाज के लोग थे और कई संगठनों के लोग थे जिन्होंने बाबा साहब की मूर्ति की जो भी व्यक्ति तोड़ा उसकी घोर निंदा हम सब करते हैं। और ये मांग करते हैं शासन प्रशासन से, आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि उस व्यक्ति को चिन्हित किया जाए, उस व्यक्ति को कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। अच्छा। ग्राम सभा जहाँ हम लोग सिवरीडी में खड़े हैं बाबा साहब की मूर्ति के सामने जो खंडित की गई है, बताना चाहता हूँ कि ये चौथी वारदात है। अच्छा। चौथी बार 4 साल में चौथी मूर्ति टूटी गई है, ये बड़ी सोचने की विषय है। हम तो शासन प्रशासन से मौखिक तौर पर इस बात को रखे हैं कि सर सबसे बड़ी सोचने की तो विषय ये है कि 3 बार पूर्व में जो मूर्ति टूटी है उसको कम से कम अज्ञात में FIR दर्ज होना चाहिए। FIR दर्ज तक नहीं हुआ है, ये बड़ी सोचने की विषय है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि इस बार ये समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, जब तक उदंड व्यक्ति को कार्रवाई नहीं होती है तब तक हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। और शासन प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी है उस व्यक्ति को चिन्हित करके कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करे, क्योंकि आपने इस बात को पूर्व में बता चुके हैं, आज पूरे भारतवर्ष पूरे दुनिया में सबसे बड़ा अगर संविधान है तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की संरचना किया है, उस संविधान के अनुसार ये पूरा देश चल रहा है और ये देश चल रहा है उस कानून के हिसाब से चल रहा है। और ऐसे महान शख्सियत के मूर्ति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये कतई हम सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम संतोष कुमार है, मैं बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष जोहराबाद का। जी, इसी गांव से है? नहीं, हमारा गांव बगल में है, ग्राम सभा डाही। अच्छा, ये कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, अम्बेडकर जी की जो प्रतिमा कई जगहों पे ऐसे खंडित नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि जो हमारे इस संविधान को बनाए जिनके द्वारा आज सब लोग चल रहे हैं, इस जो है समय में अगर ऐसे खंडित जो है मूर्ति अगर देखी जाए और वैसे लोग जो है समाज में अगर मिलते हैं, क्या आप लोग का सोच आता है कि किस तरह से ये लोगों से बर्ताव होना चाहिए? सर, पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा और आपने ये पूछने की कोशिश की है कि बहुत जगह ये देखने को आ रहा है, लेकिन मैं पूरा का पूरा जिम्मेदारी प्रशासन को दे रहा हूँ। अगर हमारे बाबा साहब संविधान निर्माता की मूर्ति टूटती है तो कहीं भी बता दीजिए कि प्रशासन पर्दाफाश किया है। प्रशासन हिला हवाली करके सिर्फ FIR लेता है, लिखता है नहीं लिखता है, उसके बाद अपना पटा जाता है। अच्छा। इसी क्रम समय 4 बार मूर्ति तोड़ी गई है, क्या प्रशासन को नहीं मालूम है? प्रशासन अगर कोशिश किया होता तो ये चौथी बार घटना नहीं हुई। इसी जगह पे यानी कि यहाँ 4 बार यही प्रतिमा को 4 बार तोड़ा गया, 4 बार समय खंडित किया गया है। अगर 1-2 बार हुआ उसमें भी प्रशासन अगर एक्टिव हुआ होता तो हमें उम्मीद है कि ऐसी घटना नहीं होती, लेकिन प्रशासन FIR लेकर ठंडे बस्ते में डाल देता है, कुछ पता करता नहीं है। और इससे लोगों का मनोबल, जो अतताई लोग हैं उनका मनोबल बढ़ता जा रहा है कि मूर्ति हम लोग खंडित करें, ये लोग परेशान होंगे, पुलिस की आएगी, थोड़ा सा यहाँ जाम लगाएंगे लोग, फिर चले जाएंगे, नई मूर्ति लग जाएगी। अगर कानून सख्त अपना रवैया अपना दे तो मैं पूरे उम्मीद के साथ कहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी।
चलिए इस गांव के बहुत लोग हैं, क्या नाम है? बालू राम गौतम नाम है। अच्छा, आप लोग के इसी गांव से और यही भीमराव जी के मूर्ति खंडित हो जा रही है, आप लोग इसी गांव से रहते हैं और पता तक नहीं चलता है? ऐसा नहीं है, यहां पे इस गांव के लोग भी देखते रहते हैं, लेकिन बताइए जब रात 12 बजे की घटना है, कोई अवांछनीय तत्व आकर के यहां दुर्घटना करके चला जाए तो वो पूरा गाँव कैसे देख सकता? मतलब ठीक है गाँव के पास में, लेकिन फिर भी गाँव के लोग आते जाते हैं, लेकिन जब जिसको तोड़ना है, और सबसे बड़ी नाकामी तो प्रशासन की है जो वर्तमान में प्रशासन है, जबकि पहले की शासन प्रशासन जिसका होता था कहीं ना कहीं गार्ड या पुलिस मूर्ति के पास जरूर एक बार दो बार आकर के देख कर जाती थी, लेकिन वर्तमान समय में न कोई चौकीदार आता है न कोई प्रशासन के लोग आते हैं, जैसे भी कोई आए मूर्ति तोड़े और चला जाए। ये तो प्रशासन मौके पे मौजूद मौजूद कब हुआ है? जब ये मूर्ति टूटी है तब ना, इससे पहले 3 बार मूर्ति टूट चुकी है। प्रशासन अगर यहाँ मजबूती के साथ रहा होता है, इसका ध्यान दिया होता, तो इस चौथी घटना नहीं होती है कि नहीं? तो ये प्रशासन की पूरी जिम्मेवारी है। दुश्मनी मूर्ति से क्या है हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन है कोई जिन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता। चलिए ये तस्वीर देख लीजिए, आज ये तस्वीर, ये इनकी भुजा को तोड़ दिया गया है और ये पूरी तरह जो इनका अंगुली को भी तोड़ दिया गया, नीचे किस तरह से ये पड़ा है। अब ये देखिए देश के ये संविधान बनाने वाले बाबा साहब है, बाबा साहब का किस तरह से जो है रख रखाव है हमारे इस देश में और इस देश के क्षेत्र के लोग, और किस तरह से शासन प्रशासन बाबा का सेवा कर रहे हैं। आज इनकी मूर्ति के जो है इनके भुजाओं को भी तोड़ दिया जा रहा है, कोई सर तोड़ देता है, कोई पैर तोड़ देता है, क्या ये ऐसा मजाक? हमारे देश के जो संविधान बनाने वाले उनसे ऐसा मजाक और इस तरह से कोई बर्दाश्त कर जाए, ये कतई ये जायज नहीं होता है। तमाम लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है? इसी गांव से है? हाँ जी। अच्छा, ये कब आप लोग को मालूम पड़ा कि मूर्ति खंडित? सुबह। चलिए पता, सुबह में सब लोग इकट्ठा हो गए, जानकारी मिला तो। हाँ। कौन लोग है जो इस तरह से किसको बताया जाए? जब किसको देखे नहीं तो किसको बताएंगे? कौन पता कौन नहीं तोड़ा? घड़ी घड़ी तोड़ रहे हैं, आदमी पैसा लगा के दिया दे रहा है, ये सब मत कह दे। इसके लिए पूरा गांव को भी संगठित होना चाहिए और सब इसका काम कीजिए, और इसको मान लो इसको घेरवाड़ करवा दीजिए अच्छा से, या लाइट वाइट लगवा दीजिए, कोई तोड़े ना, या ऐसा व्यवस्था करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। और क्या नाम है आपका? मैं विधानसभा सचिव जोहराबाद। अच्छा। मैं कुमार रंजन। अच्छा, रंजन जी है। सरकार से गुजारिश करते हैं कि यहाँ जो मूर्ति तोड़े हैं उस पर कार्रवाई जल्द से जल्द किया जाए, और 4 बार हुआ है इस तरह, और 4 बार का जांच किया जाए। नरेंद्र राव जी हैं और लगातार ये हर क्षेत्र में चलने का काम करते हैं, इस तरह से घटनाएं जब सामने आती है तो ये क्या कहते हैं, एक बार इसे फिर बात करते हैं। बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम लोग शासन प्रशासन SDM महोदय भी आए थे और उन लोग से हम लोग मांग किए मूर्ति जल्द से जल्द लगे। आज 2-3 घंटे के अंदर में मूर्ति लगने की पूरी व्यवस्था हो चुकी है, 3 घंटे में मूर्ति करीब लग जाएगी, आज शाम तक किसी भी परिस्थिति में मूर्ति लग जाएगी। मूर्ति लग जाने से यहाँ की समस्या दूर हो जाएगी या नहीं? समस्या नहीं, उसके लिए हम व्यक्तिगत यहाँ के इंस्पेक्टर महोदय से हमने बात किया है, CO साहब से बात हुई है, SDM साहब से बात हुई है, हम खुद कहें सभी लोगों के सामने, सभी कमेटी के सदस्य थे, ग्राम सभा के सभी लोग थे, और मजबूती के साथ कहा गया है कि जो 3 बार पूर्व में वारदात हुई है उसके बारे में तो बहुत ज्यादा बात नहीं करनी है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो हुआ है, वर्तमान में हुआ है, अगली बार जैसे 3 बार हुआ ऐसी नहीं होना चाहिए, इस बार कार्रवाई होनी चाहिए और जाँच होनी चाहिए कि दोबारा ऐसा घटना न हो, ऐसी नहीं होना चाहिए, इस बार कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी कि दोबारा कोई सोचने को मजबूर हो जाए बाबा साहब के तरफ कि कोई अंगुली तक न उठा पाए। सीधी सीधी सवाल था कि इस बार कानूनी कार्रवाई कठोर से कठोर होना चाहिए। अच्छा, ये नुनहरा थाना अंतर्गत पड़ रहा है, वहाँ के एसओ साहब आए थे, क्या कुछ जानकारी? नहीं, एसओ साहब ने आश्वस्त किया है, सभी लोगों से कहा है कि इस पर कार्रवाई 1 घंटा में FIR भी हो जाएगा, अज्ञात में FIR होगा, उसके बाद मेरी टीम पूरी जांच कर रही है, उसके बाद जो भी दोषी है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। चलिए, यहाँ जिस तरह से वो तस्वीरें हैं, आपको बता दूं कि वो तस्वीरें देखने के बाद एक बार बहुत जो है लोगों को कहीं ना कहीं एक सोच जरूर होगा कि कहीं ना कहीं जिस प्रतिमा की तरफ हम खड़े होते हैं वो प्रतिमा इस तरह से खंडित पड़ती है तो कहीं ना कहीं अपने जो है सर को नीचा करना पड़ता है, क्योंकि जिसके द्वारा आज जो संविधान ने आज बनाया उनके द्वारा हम बड़े गौर से अपनी बात को रखते हैं, आज उनका जो है प्रतिमा तोड़ दिया जाए बड़ी शर्म की बात है। तो कहीं ना कहीं तमाम लोग एकत्रित हुए हैं और इस तरह जो है यहाँ के क्षेत्र के जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं है वो भी एक एक्टिव मोड में है, और कहा जा रहा है कि जल्द जो है ये मूर्ति कुछ ही घंटे में, यानी कि आज ही अगर देखा जाए तो ये नया मूर्ति यहाँ लगवाया जाएगा, और सभी लोग जो है इस मूर्ति को जो है नए लगवाने के लिए एक साथ बन गया। और इस वक्त आपने देखा खास जोराबा से, शिरडी से ये खास तस्वीर है इस वक्त भी न्यूज़ इंडिया पे।